नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें। आज भी हम आज पंजाबवाड़ी में मौजूद है, जहां पर बड़े पैमाने पर मोर्चा का जो जारंगे पाटिल साहब का आगमन मुंबई में हुआ है, उसी को चलते यहां पर सकल मराठा समाज घाट के ऊपर की तरफ से यहां पर मेडिकल और पानी और खाने की व्यवस्था रखी गई है। वहीं में बात करते हैं यहाँ के जो प्रमुख है, किस तरह से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया। आपल्याला सर्वांना माहीत असेल की जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रामधून महाराष्ट्र सकल मराठा समाजाला आणि गरजू मराठ्याला आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीमागे एकमुखाने उभा आहे। ही सगळी मंडळी मुंबईला या ठिकाणी येत असताना मुंबईच्या मराठा समाजाचं सुद्धा कर्तव्य आहे की ते येत असताना त्यांना जी जी म्हणून मदत लागेल त्या मदतीसाठी आम्ही सगळेजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत। या ठिकाणी तुम्हाला शेकडो हे कार्यकर्ते दिसतील की यांनी या कार्यकर्त्यांनी सर्व लोकांच्या लोकांना आवाहन केल्यानंतर जवळजवळ 1,00,000 बॉटल पाणी आणि जवळजवळ 75,000 बिस्किटचे असे पुढे हे सगळे ह्या कार्यकर्त्यांनी स्वखर्चाने या ठिकाणी आमच्या मराठा बांधवांसाठी उपलब्ध केलेले आहेत। आमची इच्छा एवढीच आहे फक्त या माध्यमातून की सकल मराठा समाजाचे महाराष्ट्रातील लोक मुंबईकडे येत असताना आम्ही मुंबईचे मराठा बांधवसुद्धा पाठीमागे राहणार नाही, तर तुमच्या बरोबरीने आम्ही आहोत, हा सहयोग आणि सहभाग या सकल मराठा घाटकोपरच्या वतीनं त्या दाखवण्याचा आमचा या ठिकाणी प्रयत्न आहे। विशेष म्हणजे या ठिकाणी डॉक्टर साहेब आमचे पाचपुते साहेब आलेले आहेत, या ठिकाणी जाणारे जे लोक आहेत त्यांचा छोटा मोठा आजार जर असेल तर त्याच्यासाठी मोफत वैद्यकीय सेवासुद्धा केलेली आहे। दुसरी गोष्ट, जर एखाद्याला भूक लागलेली असेल, नाश्ता करायचा असेल, तर त्याच्यासाठी सुद्धा मिसळपाव या ठिकाणी सकल मराठा समाज घाटकोपरच्या वतीनं या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। आणि मुख्य वैशिष्ट्य ते मी सांगितलं त्याप्रमाणे, जरांगे पाटील आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या सर्व मराठा बांधवांना हे लक्षात आणून द्यायचं आहे की आम्हीसुद्धा तुमच्या बरोबर आहोत, पाणी वाटप, बिस्किट वाटप, डॉक्टरांची मदत किंवा नाश्त्याची मदत हे फक्त माध्यम आहे, आम्ही मात्र अगदी मनाने आणि अंतःकरणाने सकल मराठा घाटकोपर समाज तुमच्या पाठीशी उभा आहे। तो यहाँ पर पूरी सुविधा जो रखी गई है, फिर उनसे बात करेंगे, फिर और चलेंगे। टोटल यहाँ पर पूरी सुविधा जो जरांगे पाटील के साथ में आने वाले हैं लोग, उनके लिए यहाँ पर पूरी सुविधा चली गई है। सकल मराठा समाज के तरफ सकल मराठा मोर्चा या भटवाडी घाटकोपर यांच्या वतीने या ठिकाणी अल्प उपहाराचा सोय केलेली आहे। सकाळपासून या ठिकाणी पाण्याचं वाटप आहे, बिस्किटाचं वाटप आहे आणि मोठ्या संख्येने आमचे मराठी बांधव या ठिकाणी जमलेले आहेत। आणि जरांगे पाटलांना आम्ही एवढंच त्यांच्या पाठीची खंबीरपणे उभे आहे आणि सांगू शकतो का आम्ही ह्या ठिकाणी आरक्षण घेतल्याशिवाय थांबणार नाही, राहणार नाही, आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही इथे गप्प बसणार पण नाही। एवढा सर्व मोठ्या संख्येने मुंबईतले मराठा बांधवसुद्धाही जरांगे पाटलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत। एक मराठा, लाख मराठा, जी मांग आहे, मांग पूरे महाराष्ट्रामध्ये येणारे लोकांसाठी आहे, मग हे मांग पूर्ण नाही झाली तर पुढच्यात काय असणार? मांग आमची पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही इथं हटणार नाही। जोपर्यंत आमची मांग इथून पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही सरकारचा पाठा सोडणार नाही आणि मांग पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही इथून हटणार नाही, आम्ही मुंबई लॉक करून टाकणार नाही। तर पीछे नाही हटेंगे जब तक मांग नाही पूरी होती है। आज मकल सर सकल मराठा समाज के तरफ से आज हम यहाँ पे सारे बांधव आज यहाँ पे मनोज जरांगे पाटील साहब के साथ में पूरा महाराष्ट्र आया हुआ है। आज हम मुंबई से यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे तरफ से आए हुए महाराष्ट्र के सारे हमारे जो सकल मराठा समाज के ग्रुप के सभी कार्यकर्ते जो हक के लिए आ रहे हैं मुंबई के लिए, आज वो हक हमको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ की सरकार हमें वो हक दिलाएंगी। अगर नहीं देती तो इसके आगे हमारे जो मनोज दादा जरांगे है वो जो हमें सिग्नल देंगे हम वही सिग्नल से आगे बढ़ेंगे। आज उनके लिए लगने वाली सारी सुविधाएं जैसे पानी हो गए, बिस्किट हो गया, अल्पोपकार का जो भी नाश्ता है, वैद्यकीय सेवाएं हमने यहाँ पे रखी है। हमारा पूरा घाटकोपर के साथ में पूरी मुंबई इसके पूरी ताकत के साथ जुड़ी हुई है। आज आने वाले हमारे सारे मराठा
मराठा समाज के साथ में आने वाले सारे पदाधिकारी आज बम्बई उनको पूरा सहयोग के साथ में आज लगने वाली किसी चीज़ की कमी नहीं देते हुए आज अगर हमें वाशी में मनोज दादा वहाँ पे है अगर बम्बई में आते हैं तो आज उनको सरकार को उनकी सारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। तो सारी मांगे पूरी ही करनी पड़ेगी, क्या कहेंगे आप बताइए, आप मेरे को एक महिला होके आज यहाँ पर पूरा बंदोबस्त मराठा के लिए खड़े हैं आप। काही नाही, आम्ही महिला असलो तरी सुद्धा आम्ही आज काही मागे हटणार नाहीये, आम्ही पूर्ण तयारीनिशी इथे आलेलो आहोत। आम्ही एक महिला असली तरी 100 महिलांच्या बरोबरीने आहे आणि आज आम्ही दादांच्या सोबत आहोत। जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही आणि जोपर्यंत आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही इथून जाणार पण नाही। जसे दादा आम्हाला आदेश देतील त्याच्याप्रमाणे आम्ही त्या आदेशांचं पालन करणार आहोत। उस आदेश का पालन करना आज या ठिकाणी मराठा सकल समाज घाटकोपर च्या वतीने जे जरंगे पाटील आरक्षणासाठी आज या तमाम मराठा बांधवांसाठी आज एकटा संघर्ष योद्धा म्हणून तो लढत आहे माणूस, आज त्याच्या पाठीमागे आम्ही सर्व हे मराठा बांधव त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही खंबीरपणे त्यांच्याबरोबर उभे आहे। आणि आज या ठिकाणी जे मराठा बांधव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येत आहेत त्यांची बिस्किट पाणी औषध अशा अनेक प्रकारची सोयी आम्ही या ठिकाणी घाटकोपर मराठा सकल समाजाच्या वतीने या ठिकाणी त्यांची करण्यात आलेली आहे। कुठल्याही प्रकारे प्रत्येक मराठा समाजाच्या बांधवाची गैरसोयी होऊ नये आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण होऊ नये याची दक्षता मुंबईच्या मराठा समाज सकल आणि घाटकोपरच्या मराठा समाजाने घेतलेली आहे आणि तो आज आम्ही या ठिकाणी करू आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही पाठी हटणार नाही। पर जो आरक्षण के लोग आने वाले हैं उनको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए डॉक्टर साहब की तरफ से पात्र साहब तरफ यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, तो इन बात करते हैं किस तरह से इन मेडिकल कैंप का लाभ मिलेगा। सर खबरें आज में स्वागत है, बता दीजिए मराठा हाँ जी, माननीय जरंगे पाटिल साहब के मार्गदर्शन पर ये जो मराठा समाज का मोर्चा का नियोजन हो रहा है वो 4-5 दिन से गाँव से लोग आ रहे हैं समाज के बहुत मोर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनको कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ के मराठा समाज के डॉक्टरों ने तय किया कि यहाँ अपने समाज के बांधवों के लिए कुछ न कुछ मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए, इसलिए हम कल रात से ये सब नियोजन कर रहे थे। अभी सुबह से 9 बजे से हम यहाँ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, प्रवास हो रहे हैं, ड्राइवरों को दर्द हो रहा है, वो सब सारी मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और जो जितना हो सके उतना हम समाज के बांधवों की सेवा करने के लिए हम तैयार है। यहाँ से डॉक्टर अवधूत है, साइन हॉस्पिटल का हार्ट सर्जन है, डॉक्टर ऋषिकेश है वो भी हार्ट सर्जन है साइन हॉस्पिटल से, डॉक्टर शैलजा मैडम है चारू नर्सिंग होम से, मैं खुद डॉक्टर पाचपूते हूँ, सावरडेकर साहब है, मधुकर साहब है, हम लोग रात से 3 बजे से यहाँ हूँ तो अच्छा लग रहा है। सर आज पहला दिन है मुंबई के आगमन में, बहुत सारी सुविधाओं का भी इसमें रहेगा, लोगों की परेशानियां भी रहेंगी, और आप लोग अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो सर कितने तक आपका मेडिकल कैंप चलेगा? जाए समाज बांधव यहाँ रास्ते से गुजर रहे हैं या कोई अगर हमको कोई इंस्ट्रक्शन दे तो हम 1-2 दिन के 8 दिन भी रुकने के लिए तैयार हूँ यहाँ। सर आप साइन हॉस्पिटल क्या कहेंगे सर? एक्चुअली ये जो है मनोज जरांगे पाटिल सर के क्या बोले गांव से लोग आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये हम लोग का उनके लिए योगदान है। जो भी गांव से लोग आते हैं दूर से आते हैं जो भी उनको तकलीफें होती है, ठीक है, घुटनों में दर्द और बाकी सारे तकलीफ हो तो हम लोग उनके मदद के लिए है, ठीक है। तो जब तक लोग आते रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा सपोर्ट उनको रहेगा, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को लगेंगी वो हम लोग के साइड से दी जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं अनेक प्रकार के डॉक्टर्स यहाँ पर उनको जो लोग आने वाले हैं मुंबई के अंदर मोर्चा को लेकर यहाँ पर बुरी सुविधाएं दी गई है। जहाँ पर आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे देश मना रहा है वहीं पर मराठा समाज अपनी जो मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर जद्दोजहद कर रहा है, उसी को चलते ही वे मुंबई में जितने भी मराठे लोग समाज के लोग रहते हैं और आने वाले क्रांतिकारियों के ऊपर पूरा सहयोग यहाँ पर मुंबई में उनको करने के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।